हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबी टीचिंग पॉइंट। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बिहार में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप सभी को पता है आज 13 अक्टूबर 2023 की डेट में सुप्रीम कोर्ट में जो बोपन्ना साहब की बेंच है उसमें सुनवाई यहां पर हो चुकी है। क्या कुछ वहां से ऑर्डर आया हुआ है, इस वीडियो के अंत तक हम आपको जानकारी देंगे। किसका पक्ष यहां पर मजबूत है और अब आपका रिजल्ट कब तक यहां पर संभावना है कि पीआरटी का रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी बात, आप सभी को पता है कि 69,000 से बीएड को बाहर करने के लिए जो यूपी के शिक्षा मित्र हैं इन्होंने एक याचिका फाइल किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, इस पर भी आज यहाँ पर सुनवाई हुई है। क्या कुछ अपडेट आई हुई है इसके बारे में भी इस वीडियो के अंत तक आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आपको हम बता दें, अगर आप बिहार में चल रही जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एसएससी टीचर के नोट्स, साइंस एंड मैथ्स टीचर के नोट्स प्लस हिंदी लैंग्वेज के जो नोट्स हैं वो उपलब्ध हो चुके हैं हमारे संस्थान के द्वारा 199 में। आप इसको परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा जहां पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9455287993 पर SCERT लिखिएगा, मैसेज करिएगा, आपको जो है 199 में नोट्स मिल जाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी यहाँ पर सुनवाई थी जिस पर जो है जो बीएड के वकील थे यहाँ पर बहस किए और करीब 3-4 मिनट तक सुनवाई चलती रही और इस केस को अब ट्रांसफ़र कर दिया गया है अनिरुद्ध बोस वाली बेंच में। आप सभी को पता है कि ये मैटर जो रेटेड है 11 अगस्त 2023 से रेटेड है और 11 अगस्त 2023 का जो फैसला आया था जिससे बीएड वाले जो प्राथमिक में इन वैलिड हो गए हैं, मतलब अयोग्य घोषित किए गए हैं, उसी बेंच में इस केस को यहां पर ट्रांसफर किया गया है और अब इसकी जो सुनवाई होगी वो 16 अक्टूबर 2023 की डेट में यहां पर होने वाली है। 16 अक्टूबर 2023 की डेट में क्या कुछ फैसला आएगा आपको बताया जाएगा। इसमें यहां पर कहा गया है, आज जो प्रे की गई है सुप्रीम कोर्ट में, कि ये हमारा जो नोटिफिकेशन है पहले आ गया था, लिहाजा अगर हम इसमें बीएड अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराते हैं तो हमें पूरी इस भर्ती को रद्द करना पड़ेगा, ऐसा स्टेटमेंट यहां पर कहा गया है। अब सब कुछ 16 अक्टूबर की डेट में क्लियर होगा कि क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है कि बीएड वालों को रिलीफ मिलेगी या फिर यहाँ पर नहीं मिलेगी। जो कुछ होगा 16 अगस्त की जो भी अपडेट आएगी, सुनवाई होगी, हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, फिर हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है पीआरटी वाला कब तक आ सकता है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के सामने जो अपडेट यहाँ पर आई है, जो शिक्षा मित्र ने यहाँ पर बीएड को बाहर करने के सामने याचिका लगाई हुई थी, इसमें कहा गया है आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पूर्व ही शिक्षा मित्रों की तरफ से एडजॉर्न लेटर कोर्ट को दिया जा चुका था जिसमें 2 सप्ताह का समय यह कहते हुए मांगा गया कि अभी शिक्षा मित्र सुनवाई के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कोर्ट ने कोई सुनवाई न करते हुए 2 सप्ताह का समय दिया। बीएड ने बहस करने की कोशिश की तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एडजॉर्नमेंट लेटर की वजह से आज सुनवाई नहीं कर सकते। तो आज किसी प्रकार की कोई बहस यहाँ पर नहीं हुई है और अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई भी नोटिस भी जारी नहीं हुआ है। तो अब अगली सुनवाई आपकी जो होगी वो 2 हफ्ते के बाद ही यहाँ पर होगी कि जो 69,000 में बीएड वाले सम्मिलित हुए हैं, गजट आपका रद्द किया जा चुका है एनसीटी 28 जून 2018 वाला, तो इसमें बने रहेंगे या फिर नहीं बने रहेंगे। अब अगर हम बात करें बिहार में, देखिए बिहार में अब जो भर्ती का मामला है भैया लंबा खिंचने वाला है। मामला क्या है, आप सभी को पता है कि केस अभी ट्रांसफ़र हो चुका है अनिरुद्ध जी बोस वाले जो है चैम्बर में और वहाँ पर उसी कोर्ट में अब आपकी सुनवाई होगी। अब जब तक आपका फैसला नहीं आ जाता है प्रॉपर, तब तक यहाँ पर आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, ऐसी मैं पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकता हूँ, जिम्मेदारी भी यहाँ पर ले सकता हूँ, क्योंकि बिहार सरकार चाहती है कि कोर्ट से डिसीजन कुछ ना कुछ मिल जाए फिर हम यहाँ पर भर्ती को कंप्लीट करें। बिहार सरकार चाहती है कि बीएड वालों को हम अंततः किसी तरीके से सम्मिलित कर लें, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल भरा जो है काम नज़र आ रहा है। फिलहाल बने रहिएगा, 16 अक्टूबर की डेट में जो भी डिसीजन आएगा, जो भी सुनवाई होगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जब तक रिजल्ट आपका जब तक आपकी सुनवाई नहीं हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से, तब तक आपका जो रिजल्ट है वो पीआरटी वाला नहीं आएगा, लेकिन टीजीटी और पीजीटी वाला जो रिजल्ट है वो 15-16 अक्टूबर तक आ जाएगा और इनकी ज्वाइनिंग भी यहां पर करवा ली जाएगी। तो ये थी कंप्लीट जानकारी, वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। और बिहार में होने वाली जो 8th फेज की शिक्षक भर्ती है, अगर आपको SCERT प्लस NCERT नोट्स चाहिए, SST चीज़ हिंदी एंड साइंस, हिंदी लैंग्वेज टीचर प्लस साइंस एंड मैथ्स टीचर के, तो आप इसको बाई कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक यहाँ पर दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए